आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। झरिया के सुदामडे ESP कोलियारी प्रबंधन ने एक पत्र जारी कर सुदामडे हत शॉपिंग सेंटर के दुकानदारों को 10 दिनों के अंदर दुकान खाली करने का फरमान जारी किया है, अन्यथा पानी बिजली काट दी जाएगी। पत्र मिलते ही सुदामडे के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सबको अपनी अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। वहीं दुकानदारों ने भी इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया है। पत्र में प्रबंधन ने कहा है कि यह पूरा क्षेत्र फायर ए पेंच आउटसोर्सिंग के जद में आ रहा है, साथ ही यह पूरा क्षेत्र अग्नि और भूदशान क्षेत्र में आता है। यहाँ रहना अब धीरे धीरे और भी खतरनाक हो गया है, कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, इसलिए यहाँ से सभी दुकानदार किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वहीं प्रबंधन ने अपने जारी पत्र में यह भी कहा है कि अगर आप लोग 10 दिनों के अंदर उक्त स्थान खाली नहीं करते हैं तो यहाँ की बिजली और पानी काट दिया जाएगा। वहीं यहाँ के दुकानदार विजय प्रसाद वर्मा, मोहम्मद नसरुद्दीन, प्रफुल्ल महतो आदि का कहना है कि हम लोग यहाँ वर्ष 1963 से 64 से दुकान कर रहे हैं। हम लोगों को उस समय के NCDC कंपनी ने दुकान दी थी, इस एवज में हम लोग आज भी बिजली और दुकान का भाड़ा कंपनी को देते हैं। हम लोग अनलीगल नहीं बल्कि लीगल रूप से हैं। अब अचानक कंपनी हम लोगों को यहां से हटाना चाहती है, तो हम लोगों को कंपनी पहले कहीं सुरक्षित स्थान पर दुकान दे। हम लोग भी देश हित में हटने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे नहीं, हम लोगों के भी बाल बच्चे हैं, उसका हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। बताते चले कि यहाँ 10 दुकान है जो कंपनी की है, इसके अलावा भी सुदामडी मेन में इन दुकानों के आसपास 2 दर्जन से भी अधिक दुकानें हैं, जिन पर खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। जी, हम सुदामडी का मेन कॉलोनी शॉपिंग सेंटर के दुकानदारगण हम लोग हैं। 10 दुकान का एक मार्केट NCDC के समय से बने हुए हैं, नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 1963 से हम लोगों को बुला करके और दुकान का संभालने के लिए जिम्मेवारी दी गई है। हम लोग संभालते आ रहे हैं और वे किरायेदार हैं, किराया भी देते आ रहे हैं BCCL को ड्राफ्ट के द्वारा से। और छठा महीना और सातवां महीना जो है 2020 में हम लोग को खाली करने के लिए यहाँ नोटिस दी गई है कि आप लोग फायर एरिया में आते हैं, हमको कोयला निकालनी है, आप लोग खाली कर दीजिए। तो इस नोटिस का एक मैंने जवाब भी लिखा जो उपायुक्त महोदय को भी दिया और भी सारे प्रशासनिक अधिकारी को मैंने लिखा, प्रबंधन को भी दिया कि हम लोग को हम राजचित के लिए हटने को तैयार हैं, आपको रहने का लिए, लेकिन हम लोग का पुनर्वास की व्यवस्था कर दिया जाए। क्योंकि हम लोग बहुत पहले से आपका किवैध किरायेदार है, आपका BCCL का वर्कर, हमने सेवा किया, जैसे नौकरी होती है इसी प्रकार से हमारा ये बच्चों का जीविकोपार्जन है और हम इसी पर एक दुकान से हम 10 परिवार जी रहे हैं। टोटल 10 दुकान हम लोगों का वैध है और हम लोग किरायेदार हैं। हम लोगों को आप हटाइए मंजूर करते हैं, आपको BCCL को साथ देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम लोगों का पुनर्वास की व्यवस्था कर दी जाए, वैकल्पिक व्यवस्था, हम लोगों का दाल रोटी भी चलता रहे। हम राष्ट्रीय हित के लिए भी हम BCCL को समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन पहले हमको पुनर्वास की व्यवस्था कर दी जाए। विधिवत रूप से जैसे हम किरायेदार हैं वैसे हम किराया देते रहेंगे BCCL को, BCCL को हमसे नुकसान भी नहीं है और हम बिजनेस व्यापार भी अपना करेंगे और हमको जैसे पुनः बसाया गया उसी प्रकार से बसा दिया जाए। हम जगह यहाँ पर स्थानांतरण करने के लिए तैयार हैं, जब तक जगह नहीं दी जाएगी तब तक मैंने BCCL का कोई बात मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए हम आगे का भी अपना आंदोलन की तैयारी करेंगे, अपना रूपरेखा बनाएंगे, लेकिन हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है BCCL का प्रबंधक उच्च अधिकारी से कि हम व्यापारी वर्ग हैं, झगड़ा लड़ाई और सब नेतागिरी भी नहीं करते हैं। हमारी मांग है, हमारा दुकान टूटने की स्थिति में आ रही है, मेरे दाल रोटी पे समस्या है, इस पर विशेष ध्यान देते हुए हम लोग अपने दुकानदारों को मंजूर हो वहाँ बसा दिया जाए और पुनः हम लोग अपना दाल रोटी चला करें। आप अपना कंपनी के हैं, अपने कल ही हम लोग को किरायेदार है, हम लोग किरायेदार ही बना रहेंगे आपका। इसी बात के साथ मेरा नाम विजय प्रसाद वर्मा, फॉर्म का नाम गुरु कृपा ज्वेलर्स।